तो फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें कि उसको लेकर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अरुण साव को आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया है, जिसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अभी अभी जो संभावित दूसरी लिस्ट आई थी उसमें कई ऐसे नाम थे जो चौंकाने वाले थे, जिसको लेकर विरोध के स्वर शुरू हो चुके हैं। बता दें कि इसी को लेकर जैसे हम बात करें तो धरसीवा में भी जो अनुज शर्मा है उसका विरोध शुरू हो चुका है। दो अपन साजा में देखें ईश्वर साहू का जो नाम आया था उसको लेकर वही विरोध के सुर निश्चित तौर पर देखने को मिले थे। साथ ही साथ आज की बात करें तो आज आरंग के भी सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने जो पैराशूट प्रत्याशी का नाम जो संभावित लिस्ट में आ रहा है, जो वायरल लिस्ट में आ रहा है, उसको लेकर भी कार्यकर्ता गुस्से में दिखे और कार्यकर्ताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे की तरफ कूच किया। इसी बीच बता दें कि दिल्ली में जो अरुण साव को बुलाया गया है, आनन फानन में अरुण साव को दिल्ली में बुलाया गया है, बताया जा रहा है कि जो ये जो छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है, जो विरोध के स्वर जो दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को, उनमें उनको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसी बीच अरुण साव को दिल्ली भी बुलाया गया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अरुण साव के साथ साथ ओम माथुर और सुखदेव मंडाविया भी बैठक में शामिल होंगे, जो वो सब मिल के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिल के जो छत्तीसगढ़ में जो विरोध के स्वर, जैसा कि टिकट बंटवारे को लेकर जो संभावित लिस्ट आई हुई है उसको लेकर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आ रहा है। इसी लिए उन्होंने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो दूसरी ऑथेंटिक लिस्ट है, जो ऑथेंटिक लिस्ट है वो हम जारी हो सकती है। तो बता दें कि जो छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो संभावित लिस्ट जारी हुई है, जो सोशल मीडिया में प्रचारित हो रही है, उसमें जो नाम आए हैं, चौंकाने वाले नाम हैं, उसको लेकर विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अरुण साव को दिल्ली बुलाया गया है, दिल्ली में मीटिंग रखी गई है आनन फानन में। और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद जो दूसरी लिस्ट है, ऑथेंटिक लिस्ट है, वो हमको देखने को मिल सकती है। तो बड़ी खबर आज की यही है। इसी बीच बता दें कि जो विरोध के स्वर हैं, जो आरंग से भी हमको दिखाई देने को मिले हैं। बता दें कि आरंग में जो खुशवंत साहब के जो नाम आया है, जो संभावित लिस्ट, जो वायरल लिस्ट है, उसमें उसको लेकर ही कार्यकर्ताओं में रोष दिखने को मिला है। जो आज सैकड़ों कार्यकर्ता नारा लगाते हुए, हाथों में तख्ती लेते हुए जो राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की तरफ आरंग से कूच किए हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में जो संभावित लिस्ट जारी हुई है, जो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, उसको लेकर फिलहाल छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। इसी को लेकर, इस घमासान को कैसे शांत किया जाए, इसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के अरुण साव को आनन फानन में दिल्ली तलब किया है।